हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया केक्स एंड चॉकलेट्स। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज देख रहे हैं ना, आज मैंने कितनी प्यारी सी डॉल बनाई है, और वो भी मैंने 4 घंटे के अंदर इसको बना के इनको दे दिया। एक्चुअली ये 2 किलो का मेरे को केक का ऑर्डर था, और वो भी डॉल केक में। तो मैंने इसके लिए प्रीमिक्स पहले डिसाइड कर लिया। मैंने दो दो पार्ट में डिवाइड करके इसको, पहले एक डॉल का जो फ्रिल होता है, अपर साइड का कोन वाला जो मोल्ड होता है, उसमें मैंने पहले शिफ्ट किया है पहला बैटर बना के, एंड नेक्स्ट सेकंड वाला उसमें। फ्रेंड्स, इतनी जल्दी में जब कोई देता है ऑर्डर तो समझ में नहीं आता क्या कैसे करे, क्या कितनी जल्दी बनाए, लेकिन फिर भी मैंने इसको फ्रिज में रख रख के इसका मोल्ड जल्दी जल्दी मैंने इसका स्पंज रेडी करके ठंडा करके इसको इतनी जल्दी में बनाया था। और जितना मेरे से हो सका मैंने उतना ही इसका वीडियो भी बना लिया था। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी, इसके लिए मैंने इसको आज डाला। तो ये फ्रेंड्स, ये मेरा हो गया है एक बाउल का जो उसका फ्रॉक का अपर साइड का डिज़ाइन। अब मैंने नेक्स्ट जो डाउन साइड में फ्रिल रहा था उसके लिए मैंने ये वाला, अब नेक्स्ट टिन में जो मैंने 8 इंच का मोल्ड लिया है उसके लिए मैंने ये बैटर रेडी कर लिया है। अब दोनों को अच्छे से हम टैप टैप करेंगे, और उसके बाद इनको हम 180 डिग्री में ओवन में बेक करेंगे 35 से 40 मिनट के लिए। इसमें जिसमें हमारा ये हमारा दोनों बेक हो दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं टिन में। अब हम इनको अपने ओवन में बेक करेंगे। हमारा ये बेक होने के बाद ठंडा हो गया, जैसे कि फ्रेंड्स मैं बताई हूँ, मेरे बहुत जल्दी थी इस दिन, मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैंने कैसे भी करके मैंने दोनों काम किया है। तो ये हमारे दोनों बेक रेडी। और कहते हैं ना कि जब जल्दी होती है तो और भी काम गड़बड़ होते हैं। तो इस दिन क्या हुआ, मैंने केक को ओवन में रखा, पता चला कि मेरे यहाँ लाइट भी चली गई। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी इसे आधा गैस पे बेक किया था। फिर ये हमारे दोनों रेडी हो गए। इसके बाद हम इसको ये हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। अभी मैंने इसकी कटिंग कर दी, अब हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। तो क्रम कोटिंग के लिए जो हमारा 8 इंच के मोल्ड वाला टिन था उसमें हम इसको पहले शुगर सिरप से सोक करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी इसमें हम जो हमारी क्रीम है उसको हम स्प्रेड करेंगे, फिर नाइफ की से इवनली स्प्रेड करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना क्रस्ट डालेंगे, और थोड़े थोड़े चोको चिप्स भी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमें मिक्स फ्लेवर का ऑर्डर आया था, तो इसके लिए मैंने हर एक लेयर में अलग अलग फ्लेवर रखे, जिससे हमारे पूरे मिक्स फ्लेवर का पूरा जो फ्लेवर आता है वो आए। तो ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई है। इसी ऐसे में हमने सोक किया शुगर सिरप से, और शुगर सिरप से सोक करने के बाद ये हमारी क्रीम चली गई। अब क्रीम को हम नाइफ से अच्छे से स्प्रेड करेंगे, और इसके बाद हम अपना क्रस्ट डालेंगे सेकेंड फ्लेवर का। फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड करके इसमें फिर चोको चिप्स डालेंगे। ऐसे ही हम इसका और जो हमारा डॉल का फ्रॉक वाला डॉल मोल्ड है उसका सब की सेटिंग हम ऐसे ही अपने फ्लेवर डाल डाल के हम कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी आइसिंग करके हम इसको फ्रिज में रखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था इसलिए मैंने इसको 1 घंटे ही फ्रिज में रखा था। और ये हमारा रेडी हो गया है डॉल का बेस, जो हमें इसके बाद हम डॉल का डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए मैंने नूर का जो स्टार वाला नोजल होता है उसको मैंने यूज़ किया है, और क्रीम कलर जो हमारा फ्रॉक का कलर है ये कस्टमर के डिमांड पे था, तो ये कलर हमारा पिंक कलर, तो ये पिंक बेबी पिंक है। तो ये हमने इसको रेडी किया पिंक, और जरा सा येलो डाल देते तो ये हमारा रेडी हो जाता है ये कलर। तो ये अभी हमारी डिज़ाइन रेडी हो रही है। और इसके बाद हम ये फ्रेंड्स थोड़ा सा ये जो हमारा साइड से ये इस बेस के ऊपर से थोड़ा सा अंदर में है, तो इसको हम क्रीम से सेट कर देंगे अच्छे से। तो ये हमारा सारा कुछ रेडी हो गया। फ्रेंड्स, मैं इसमें बीच बीच में रोक के भी कर रही थी, क्योंकि मेरे फ़ोन की कुछ कुछ मेमोरी भी फुल हो गई थी, इसके लिए मैंने बीच बीच में कुछ कम करके भी वीडियो बनाया, ताकि आपको पूरा वीडियो मेरा मिलता रहे कि मैंने कैसे क्या प्रोसेस की है, कोई भी कट ना हो, इसके लिए मैंने बनाया। तो ये हम अब फ्रॉक का हम अपने डॉल का जो फ्रॉक है उसका हम बॉर्डर बनाएंगे, और जहाँ भी हमें लगेगा स्टार नोजल से हमने ये वर्क किया है, ये जो अभी हमने कर किया उसको सारी जगह गैप जो है उसको हम फिल कर देंगे इससे। फिर इसके बाद हम अपने डॉल में वो स्प्रिंकल्स लगाएंगे,
ये देखिए स्प्रिंकल्स लगाने के बाद ये कितना सुंदर लगने लगा। हमारी डॉल अब ये पूरी तरीके से रेडी हो गई। मैंने इसमें कुछ गुलाब के फ्लावर्स भी ऐड कर दिए, इसको मैंने नेकलेस पहना दिया, गले में हाथ में भी इसके ब्रेसलेट वगैरह पहना दी, और ये हमारा फाइनल लुक है फ्रेंड्स। देखिए कैसी लग रही है। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ ये केक पसंद आया डॉल केक, तो प्लीज़ कमेंट करके सब और मुझे बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए। ऐसे प्लीज़ वॉच माय वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए।